दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जैसा मार्केट को प्रेडिक्ट किया था, आज मार्केट ने सेम उसी प्रकार से रिएक्ट किया है। हमने फाइनेंस निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई किया था और फाइनेंस निफ्टी ने आज उसी प्रकार से मूवमेंट देते हुए नजर आया है। अगर हम आज मार्केट पर एक नज़र डालते हैं तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में ने यहाँ पर लगभग 1% के आसपास की गिरावट दर्ज की है, वहीं पर बैंक निफ्टी ने 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर दर्ज की है। ऐसे में बात आती है फाइनेंस निफ्टी की, कि फाइनेंस निफ्टी ने किस प्रकार से मूव दिया है और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंस निफ्टी के किस इंपॉर्टेंट लेवल को हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके लिए हम एंजल वन एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। एंजल वन एप्लीकेशन पे आने के बाद एप्लीकेशन को ऊपर को थोड़ा स्लाइड करना होता है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाटेड एफएनडो देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। हमने यहाँ पे एक बार सिंगल क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पे इंस्टाटेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। इस ट्रेडिंग विंडो की खासियत होती है कि आप अपनी मार्केट वॉच को या अपने पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस आइकन का यूज़ करके आप अपने मनपसंद इंडेक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी के इंडेक्स को ऐड करके रखा है, तो हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी के इंडेक्स को यहाँ पे लगा लेंगे। तो फाइनेंस निफ्टी के इंडेक्स को लगाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे कि हमने यहाँ पे जो लगा के रखा है, यहाँ पे एक हमारी मार्केट वॉच की जैसे ही लिस्ट बन जाती है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स नहीं लगा तो हम प्लस के बटन का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फाइनेंस निफ्टी को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे फिन निफ्टी को ऐड करने के लिए लगा लेंगे, तो आपके सामने आ जाता है फाइनेंस निफ्टी 28 मार्च का आ जाता है, इसको हम लगा लेते हैं। हमारे सामने फाइनेंस निफ्टी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंस निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल को हमने आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पे देखा था कि जो इसका मजबूत लेवल है, कि जो 18,500 का प्राइस है जिसको हमने काफ़ी लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसी लेवल को फाइनेंस निफ्टी ने होल्ड किया। और अगर हम देखें तो अगर पिछली कैंडल का हम हाई पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो ये 18,528 का बना हुआ है, इस लेवल को होल्डिंग कर पा रहा है। और जो आज इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के साथ अगर हम यहाँ देखें इसमें, तो सपोर्ट के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसका सपोर्ट पे हम इसको लगा देते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 18,300 का एक वैल्यू है, इस पर इसने क्लोजिंग दिया जो कि एक सपोर्ट का काम किया है। अब अगर ये सपोर्ट को मार्केट कल होल्ड नहीं कर पाता, इस सपोर्ट के नीचे का निकलता है मार्केट, तो हमें फाइनेंस सेफ्टी के इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और फाइनेंस सेफ्टी में जो गिरावट आएंगी उसके लिए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसके आधार पे आपको यहाँ पे बताते हैं कि इसमें जो अगली गिरावट आ सकती है वो गिरावट कितनी आ सकती है और फाइनेंस सेफ्टी का इंडेक्स हमें कितना करेक्ट होते हुए नजर आ सकता है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन लेवल्स के ऊपर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखते हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने जो बन के आता है फाइनेंस सेफ्टी में, अगर 18,300 का लेवल फाइनेंस सेफ्टी ब्रेक कर देता है तो हमें जो अगला लेवल हम देख सकते हैं, ये अगला लेवल हमें जो देखने को मिलेगा, ये मिलता है हमें 18,250 के आसपास का लेवल है। इस लेवल को हम ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ तक कि हमें फाइनेंस सेफ्टी गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये लेवल भी फाइनेंस सेफ्टी ब्रेक करता है तो हमें अगला जो सपोर्ट का लेवल है 18,120 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक के फाइनेंस सेफ्टी का इंडेक्स जो है ये स्लिप होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मान लो कि फाइनेंस सेफ्टी जो है 18,300 का जो लेवल है इसको होल्ड कर लेता है, तो वापस से हमें इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेंगी और वापस से 18,400 to 18,500 के लेवल हमें फाइनेंस निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी फाइनेंस निफ्टी जो है ये बोलिंजर बैंड की एक सिग्नल लाइन है, इसको भी होल्ड करके चल रहा है। साथ ही एएलएम इंडिकेटर के ऊपर फाइनेंस निफ्टी अभी क्लोज होते हुए नजर आया है। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो फाइनेंस निफ्टी में हमें ऊपर साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। एमएचसीडी लाइन में भी हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और हिस्टोग्राम में भी हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से हमें फाइनेंस निफ्टी में अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर हम ऑप्शन चेन को प्रेडिक्ट करें और ऑप्शन चेन का डेटा को अगर हम देखते हैं कि फाइनेंस निफ्टी में 14 मार्च की एक्सपायरी में किस साइड में पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, तो 18,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सपोर्ट की बात कर रहे तो अभी जो सपोर्ट बना है 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, कि 18,300 का स्ट्राइक प्राइस होल्ड करता है तो फाइनेंस निफ्टी में वापस से हमें ऊपर साइड के जो लेवल है 18,400 to 18,500 के लेवल हमें ऊपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 18,300 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में 18,200 और 18,100 तक के लेवल हमें स्लिप होते हुए फाइनेंस निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के ऊपर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नजर आएंगी। अगर मान लो कि फाइनेंस निफ्टी 18,300 का लेवल को होल्ड कर लेता है, इस कंडीशन में जो कॉल ऑप्शन है हम यहाँ पे 18,300 के कॉल के साथ जा सकते हैं
और अगर लगता है कि मार्केट 18,300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे स्लिप होता है, तो हम यहाँ पे 18,300 का जो पुट ऑप्शन है इसके साथ हम जा सकते हैं, इसको हम बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि 18,300 का कॉल अगर हम बाय करना चाहते हैं तो इसमें हम यहाँ नीचे आपको चार्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर बाय ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर बाय के ऊपर हम एक लॉट मेंशन करेंगे। करंट प्राइस के साथ जो इन्वेस्टमेंट हमें लगने वाला है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ देखने को मिल जाता है, चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंस निफ्टी के एक लॉट में 40 क्वांटिटीज आती है, यहाँ दिए गए बाय बटन पे क्लिक करना होता है, कंफर्म ऑर्डर लगाना होता है। मार्केट बंद होने के कारण हमारा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगेगा, यस बटन पे प्रेस करेंगे ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, ऑर्डर हमारा पेंडेंसी में पहुँच जाता है जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो। और इस प्रकार से एक बार ऑर्डर लगने के बाद हमारा ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो P&L है हमें सेम विंडो पे देखने को मिल जाता है। एनी टाइम अगर अपना हम अपने ट्रेड से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय एंड सेल की बटन देखने को मिलती है, इन बटन का यूज़ कर सकते हैं या ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर को आप यहीं से स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। साइड में बाद में टूल ऑप्शन है, टूल ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग टूल्स लगा सकते हैं, यहाँ से आप FX ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो इतना ईजी इतना आसान होता है एंजल फंड एप्लीकेशन का यूज़ करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और ऐसे ही टूल्स का यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल फंड के साथ ओपन करें और शानदार टूल का लाभ लें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।